नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपने को पता, हम गांव में आ रहे हैं और आज हमारा है नेक्स्ट डे, और आज डे है सैटरडे। और हम जा रहे हैं सुबह पूजा करने के लिए भूमिया खेड़े पे। यहाँ पे सैटरडे को ही होती है, वैसे पिंजौर में तो संडे को करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सभी इधर सैटरडे को ही भूमिया खेड़े पे जाते हैं पूजा करने के लिए। तो आज चंदन भी है और सैटरडे भी है और हम भी आए हुए, तो हमने सोचा चलो कि मौका कभी कभी मिलता है, मौका चलो आज दिन भी बहुत अच्छा है। तो मम्मी कहने लगी कि तुम दोनों भूमिया खेड़े पर जाया हो, हाथ जोड़ आओ, क्योंकि कभी कभी आते हैं यहाँ पे, जब आते हैं तो चलो चले भी जाओ कभी भी, लेकिन वहाँ से तो कभी कभी आते हैं। और टाइम भी कभी होता है, कभी ये होता है कि अंधेर लग जाए, या शनिवार नहीं होता या टाइम नहीं होता। तो फिर मम्मी कहने लगी कि तुम चले जाओ, तो हम दोनों हो गए तैयार जाने के लिए। और मम्मी जा रही है प्रसाद लेने के लिए, बाकी इन्होंने दिया बत्ती रख दिया, मैं गई है अभी बाहर दुकान पे प्रसाद के लिए। तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ, तू नाली का नो देख। ना मैं तो नहीं, मैं कभी पानी किंडा का। हाँ जबरदस्ती तो कहा है ना, नालो नालो, नीनू कहते नहीं, मैं क्या करूँगा। मैं तो एक डेढ़ महीने में ना हूँ जबरदस्ती। हाँ और एक घंटे तक कह रही थी, मैं कहा नालो। और रुचि लग गई है अपनी ड्यूटी पे। खैर भाई, रुचि के तो कहने ही नहीं है, रुचि तो सुबह ही सुबह खड़ी होगा, अपना कर लिया काम, मारे में तो इतनी गारंटी नहीं है। मैं तो उठती नहीं, तो खुद ही कह रहे हैं तुझे खाने की जरूरत ही नहीं है। खैर ये बात पक्की है, रुचि ना सुबह ही सुबह उठ जाती है, जल्दी उठती है, जल्दी सारा काम कर ले, और वो नाश्ते की तैयारी कर रही है। और आपको टाइम बताऊं, अभी सिर्फ 6:30 हुए और वो नाश्ता बनाने लगी। असल में गांव के काम होते ही है, वो आदत भी हो जाती है रहने की, जैसे रहते हैं उसी हिसाब से करना पड़े। तो यहाँ जल्दी उठना, जल्दी सोना और जल्दी काम करना, वो ही रूटीन है। जब हम उठे थे तो जब तो दूध दाद सब कुछ निकाल लाई थी। तो जी खैर, वो अपना नाश्ता वगैरह बनाने में लग रही, हम इसे छेड़ते नहीं, वरना या फिर नु कहेगी मुझे देर करवा दी तुमने। और हम अपना काम करते हैं, ये अपना करेगी, बाद में आके करवाऊंगी मैं इसकी हेल्प जो भी करनी होगी। अभी बस चलते हैं। तो जी हम आ गए हैं पूजा करके, और आरू भी उठ गई। हेलो करिए आरू। हेलो, देखी उकर का जाली, बस वो तो यीशु के पीछे लग रही। और बस हम करेंगे नाश्ता, और नाश्ता रुचि ने जैसा मैंने बताया था बनाई दिया, और चाय भी बना दिया है इसने। ये रखी चाय, क्या क्या खाया जा रहा है? चाय, चाय, नमक की रोटी, नमक डाल रखा है ये, और ना को ये बहुत होंगी, फिर देख लेंगे आज पानी पड़े है। तो चाय बन गई और रोटी से रुचि ने नमक की और अचार है, तो सुबह ही यही खाया जाएगा। मैं दे दूंगी, इसके पापा कह रहे हैं कि दे दे मुझे खेत में जाना। अरे इसके चाचू और दोनों खा गए नाश्ता कर गए? फिल्लू खा गए। अच्छा, तो इसके जो छोटे वाले चाचू हैं वे तो करके जा लिए नाश्ता, और बड़े वाले ऐसे ही पहले ही चले गए थे खेत में, मतलब कि अनुज भैया। तो सिल्लू भैया उसका लेते नहीं जाते अनुज का? अच्छा, तो जल्दी आ जाएंगे इसका मतलब, तो वो जल्दी आ जाएंगे इस वजह से शायद भैया करके नहीं गए नाश्ता, तो मैं इनको दे दूं। अभी बच्चे तो नहाए नहीं, नहा लेंगे बाद में, कोई बात नहीं, छुट्टी होगी, नाश्ता करेगी आ रही। चलो बैठो यहाँ, मैं ला रही। ए हटियो ईश्वर, तो जी पूजा मैं करके आ गई थी, उसके बाद हमने नाश्ता भी कर लिया था। और अब देखिए मैंने बदल लिए हैं कपड़े और लग गई हूँ मैं अपने काम पे, और रुचि कर ली है किचन की क्लीनिंग वगैरह, जो भी बर्तन थे सारा उधर का अभी सारा रुचि समेट रही है। मैं इधर आ गई क्योंकि यहाँ पे फिर रूम में मुझे लगानी थी झाड़ू, तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो सरसों पड़ी है खाट पे, और ये मेरा बेडरूम ही है, इसमें खाटती है, इस पर ही सरसों पड़ी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको उठा देती हूँ। और ये तीन चार
चार कट्टों में रखी थी यहाँ पे। फिर मैंने इसके पापा को बुलाया, मैं कही ऐसे ही फैली पड़ी, इसको रख देते हैं। मम्मी कह रही थी कि इसको धोनी है मुझे सरसों को, इसीलिए पड़ी है ये यहाँ पे। तो मैं मम्मी को कहने लगी, मैं कहा अभी इसको हम बांध के रख देंगे, जब भी आपका टाइम होगा जब धो लेना आराम से, अभी तो ज़रूरत भी नहीं। अभी तो शायद इन्होंने तेल निकलवाया ही था पिछले महीने, तो अभी तो ज़रूरत नहीं। और अभी मौसम भी ऐसा ही हो रहा, मैं कहा इसमें से गर्दा भी निकलता है सरसों में से, बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है इस वजह से। तो मैंने वो दो तीन कट्टों में हो रही थी और गट्टे फट भी रहे थे इधर उधर भी, उनमें से काफ़ी सारी बिखर रही थी सरसों खाट पे भी। तो मैंने वो सारी इकट्ठी करके एक दो गट्टों में कर दी, जिसमें थोड़ी थोड़ी थी ना वो भी सारी इकट्ठी करके दूसरे में चेंज कर दी वो सरसों हम दोनों ने मिल के। और बस इसको रख देंगे उठा के यहाँ से, क्योंकि फिर जैसा रूम में पड़ी रहती है कोई आता है फिर हम भी उठेंगे बैठेंगे अब रहेंगे यहाँ पे, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। मैं कहा चलो इसे खाट को निकाल दूंगी, फिर कोई आ भी जाता है और मैं कहा इसको एक साइड रख देंगे। तो यहाँ पे बस हमने सरसों के जो गट्टे थे वो बांध दिए दोनों, और फिर ये रख दिए हैं साइड में बाहर। अभी तो उनको रखने का कोई ठिकाना नहीं था, मैंने अभी बाहर ही रखे थे, क्योंकि गेहूं वगैरह अभी ऐसे ही पड़े हैं वो नहीं रखे गए थे। तो जब गेहूं भर जाएंगे तभी सारे मतलब सेटिंग होगी क्या सामान कहाँ पर रखना है। तो उधर फिर मैंने कमरे में से वो जो चारपाई रखी थी वो भी निकाल दी। अब फिर मम्मी कह रही थी कि ये गेहूं भी भरने हैं, तो गेहूं भरने से पहले सबसे बड़ा काम है जो टंकी है वो अभी तक खाली नहीं हुई गेहूं की। उसमें से कुछ तो मम्मी ने निकाल दिए थे लेकिन कुछ उनसे निकले नहीं होंगे, क्योंकि वो जो टंकी है उसको मतलब कोड्डा या हिलाना पड़ेगा तब जाके उसमें से निकलेंगे। तो मम्मी कहने लगी कि ये टंकी भी खाली करवा दो, उससे पहले ये जो चावलों की टंकी है इधर जो टैंक है इसमें है चावल, तो ये चावल की टंकी हटानी पड़ेगी वहाँ से, तब जाके वो टंकी खाली होगी, क्योंकि उसको भी हमें हटाना पड़ेगा साफ करना पड़ेगा तब जाके होगी। तो यहाँ पे तीनों जन ने मिल के मम्मी मैं और इसके पापा तीनों लगे हुए, तो वो टंकी हटा दी चावलों की। अब उसके बाद जो गेहूँ की टंकी है ये खाली करनी है, तभी जाके इसमें नवे गेहूँ भरे जाएंगे। मम्मी ने एक आध गट्टा तो निकाल लिया होगा पहले जितना उनसे हुआ होगा, बाकी गेहूँ भी ऐसे ही पड़े थे जैसे मतलब निकले थे, तो उनको था कि मैं निकाल लूँगी लेकिन अकेले से कहाँ होने वाला। तो फिर मैंने ये सारे गेहूँ निकाल दिए हैं सारे बाहर, और इसके पापा ने ऊपर से चढ़ के ये जो टंकी है ये तिरछी कर दी, तभी जाकर निकले, क्योंकि वैसे निकलना तो हाथ तो पूरी में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कैसे करके हमने ये सारी टंकी खाली कर दी, और इसको कर देंगे अच्छे से झाड़ पूछ के रख देंगे, क्योंकि जो नए वाले गेहूँ तभी रखे जाएंगे इसके अंदर जब ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, सुथरी हो जाएगी, सूख जाएगी। बल्कि हर बार तो क्या होता है जैसे टंकी को बाहर रख देते हैं निकाल के, उसको धो के धूप में सुखाते हैं, लेकिन मम्मी कह रही थी कि रहने दो इस बार, तो रहने दो, कौन रखेगा फिर अंदर बार बार। और जो गेहूं है वो भी ठीक थे, कई बार ऐसा हो जाता है जैसा गेहूं चिपक जाते हैं नीचे फिर भी धोनी पड़ती है, लेकिन इस बार गेहूं बिल्कुल साफ पड़े थे। तो मम्मी कह रही थी कि ऐसे ही झाड़ दो इसे, थोड़ी सी एक दो दिन की इसमें हवा लग जाएगी टंकी में तब हम भर देंगे। तो उसके बाद फिर मैंने क्या करा, जो छेद सा था जिसमें से गेहूँ निकाल लेते पहले तो सारे निकाल दिए, उसके बाद जो कपड़ा ले कर डंडे पर उससे पूरी टंकी में घुमा दिया, इसके पापा ने ऊपर से घुमा दिया और मैंने नीचे से घुमा दिया, तो उसके बाद वो टंकी हमारी साफ होगी बिल्कुल। तो ये देखे टंकी में से जो गेहूं थे वो सारे निकाल दिए, अभी इसके नीचे भी जो गेहूं पड़े हैं ये निकालने से वो सारे मैं इकट्ठे कर दूंगी। टंकी को साइड कर दिया है नाज की, और इकट्ठे करके अभी इनको एक साइड करके भर देंगे गट्टे में जितने भी निकले पड़े हैं। एक दो कट्टा, एक तो मम्मी ने पहले ही रख रखा था, बाकी दो कट्टे और भर गए थे, तीन ही हो गए थे गेहूँ के। तो मम्मी इनको भी बोल रही थी कि धो के धरूंगी, मैं कहने लगी मैं बाद में धर देना आराम से, अभी तो मौसम भी ऐसा ही हो रहा, कभी बादल कभी बारिश, और अभी मगर जब भी आपका टाइम लगेगा, अभी काम भी थोड़ा ज़्यादा सा फैल रहा, मगर आराम से कर लेना जब ज़रूरत होगी। तो मम्मी क्या करती है, एक्स्ट्रा गेहूँ होते हैं ना जो, उनको धो के धर देती है, फिर बाद में बस थोड़े थोड़े पीसते रहो, काफ़ी सारे मतलब मैं धोती रहती हैं थोड़े थोड़े, ज़्यादा तो उनसे काम हो नहीं पाता, ये नहीं है कि एक गट्टा एक दिन में धो दिया, ये होता है उनसे एक तसला जैसा आज धो दिया, एक तसला फिर एक दो दिन बाद धो दिया, इस तरह करके मैं थोड़े थोड़े धोती रहती हैं, क्योंकि उनके कमर से झुका नहीं जा मतलब दर्द रहता है टांगों में भी, तो जितना उनसे बनता है इतना कर लेती हैं। तो
यहाँ पे देखे गेहूँ सारे निकल गए और फिर पत्थर रखने के मतलब झाड़ू मैंने लगा दी थी उसके नीचे अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लीन करके फिर पत्थर रख दिए जो पत्थर के टुकड़े थे उसके टंकी के नीचे और टंकी को कर दिया है सेट। उसको खोल के छोड़ देंगे। मम्मी ने कहती कि एक दो दिन इसके हवा सी लग जाएगी फिर इसमें गेहूँ डाल देंगे। देखते हैं जैसा भी टाइम होगा आगे उसी हिसाब से कर लेंगे। तो यहाँ जो गेहूँ निकले थे वो सारे भर देंगे हम कट्टे में। तो गेहूँ वगैरह मैंने भर दिए हैं और जो टंकी का काम है वो हो चुका है सारा। अब उसके बाद बारी आ गई है कमरे की। कमरा पूरा फैला सा ही पड़ा था तो मैंने सोचा चलो जब लगी हुई हूँ तो इसको भी सेट कर देती हूँ। यहाँ पे ये गठरी वगैरह सी पड़ी थी कपड़ों की और संदूक जो है सारे ऐसे ही फैले पड़े थे, उनके ऊपर कपड़ा भी नहीं था, धूल मिट्टी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो इनको झाड़ के कपड़ा डाल दूँगी इनके ऊपर, क्योंकि धूल मिट्टी अगर लगेगी तो कपड़े पर ही लग जाएगी वरना तो चीज़ जो भी वो खराब हो जाती है। मैं मम्मी को बोल भी रही थी, मैंने कहा मम्मी ये इसके ऊपर पहले मैं कहा कपड़ा डाल देते। मम्मी कह रही है मैंने धोने के लिए उतारे थे फिर उनका टाइम नहीं लगा होगा। तो मैंने फिर जो कपड़े उन्होंने निकाल लेते ना कट्टे में भरे थे मैंने अभी वही डाल दिए क्योंकि अभी मुझे कुछ और नहीं मिला था। फिर मैंने सोचा मैं कहा जब भी टाइम लगेगा मेरा लगेगा या फिर कैसे जैसे भी होगा मैं कहा इनको उतार के ही धो देंगे साथ साथ, वरना तो फिर ऐसे ही गंदे होते रहेंगे संदूक और धूल मिट्टी भी पड़ती रहे फिर गंदी होती है चीज़ें। तो फिर मैंने सारे ही झाड़ दिए अच्छी तरीके से संदूक को खूब अच्छे से झाड़ू से कपड़े से झाड़ के फिर उनके ऊपर जो भी चद्दर बेडशीट थी वो डाल दी और वो सेट कर दी सारे ही। और जो पुराने कपड़े थे सारे ये गठड़ी सी बंदी पड़ी थी कई जगह तो इनकी एक ही गठड़ी कर दी और जो बिस्तरे वगैरह बिछाने के वो मैंने एक साइड कर दिए। और जो था बहुत सारा ऐसा था जैसा पुराना सामान हो जैसा यूज नहीं होता वो फिर रखे रहते हैं, मैं मम्मी को बोल रही थी मैंने कहा इसे घर में ना रखा करो इसको बाहर ही आप कबाड़ी में दे दे करो, क्योंकि जैसा एक्स्ट्रा सामान जो भी बिना यूज का होता है उसको हम भर लेते हैं घर भर जाता है जब तो हमें लगता है कि ये ठीक है लेकिन बाद में वो फिर वेस्ट ही होता है और उससे घर सा भर जाता है। तो इसी तरीके से बस मैं सारे घर की सेटिंग कर दूंगी जितना भी मेरे से होगा और जो संदूक है उनके ऊपर कपड़ा मार के देखे डाल दिया मैंने कपड़ा और कर दी है सेटिंग। तो यहाँ कपड़े जो है संदूक सारे सेट हो चुके हैं। अब उसके बाद ये सामान है किसी में गेहूँ है किसी में चावल है ऐसे, तो टंकी में जो भी सामान था ऐसा यूज का शक्कर वगैरह वो एक साइड लगा दी वरना बीच में ही रखे थे सारी चीज़ें एक इधर मैं कहा चलो सेटिंग सी कर दूंगी तो अच्छे से चला फिरा भी जाता है बाकी हमें जो सामान उठाना होता है वो ईजीली उठ भी जाता है। तो यहाँ जो भी वेस्ट सामान था मैं उसको उठा के बाहर निकाल दिया मैंने और जो यूज का था वो लगा दिया सारा सेट करके। और बस मैं ये पूछ रही इनसे मैंने कहा ये जो चावल की टंकी है कैसा करूँ, तो मम्मी कह रही कि इसको अभी यहीं रहने दो जब गेहूँ भर जाएंगे टंकी में उसके बाद ही हम इसको रखेंगे क्योंकि ये अगर टंकी के आगे अट जाएगी फिर गेहूँ डालने में दिक्कत रहेगी। मम्मी कह रही कि इसको अभी ऐसे ही रहने दो तो यहाँ पे वो छोड़ दी है। और यहाँ पे जो पुराने कपड़े वो सारे मैंने एक गठड़ी में बांध दिए जगह जगह पड़े थे ना तो सारे एक जगह कर दिए। मैं मम्मी कह दी मैंने कहा इन्हें कुछ इनका यूज तो करना नहीं फिर ये बात में ऐसा होता है जैसा एक कपड़ा निकालते हैं फिर सारे फैल जाते हैं। और यहाँ ये चिन्नी थी बची हुई कट्टे में तो बाल्टी में मैंने ये भी रिता कर रख दी मैं कहा चलो साथ साथ ये भी रख देती हूँ। तो सारी सेटिंग हो चुकी है लगभग कमरे में सामान रख दिया है। अब जो ये गेहूँ मैंने निकाले थे तो मम्मी ने कह रही थी कि बाहर रख दो इनको ये धुल जाएंगे, तो मैं कहने लगी मैं कहा अभी परेशान ना हो आप थक रहे वैसे ही क्योंकि सुबह से लगे हुए और हम ही थक जाते हैं मम्मी तो और भी ज़्यादा थक जाती है। तो मैंने कहा मैं कहा रहने दो बाद में जब भी आपका टाइम लगेगा धीरे धीरे करके धो लेना कोई नहीं इतना खर्चा तो है नहीं कि भाई पूरा गट्टा एक साथ धो या एक साथ धोगे
मगर थोड़े से आपको रेस्ट मिलेगा तब जाकर धो लेना और मौसम भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो गट्टे थे, तीन गट्टे निकले थे टंकी में से नाच के, ये जो निकाले थे ना, एक तो पहले भर दिया था मम्मी ने और दो फिर हमने भर दिए थे निकाल गए। तो ये सारे बांध के मैं रख दूँगी साइड में और इनको भी सेटिंग सी करके लगा दूँगी। तो देखिए साइड में लगा दिए हैं, अब लास्ट में बारी आ गई है बस झाड़ू लगाने की। तो ये वाला रूम ही आज मेरे से अभी दोपहर तक सेट हुआ है, क्योंकि वैसे आपको तो लगभग 10 मिनट में दिख गया होगा लेकिन मेरे 3-4 घंटे लग गए थे इसी में ही। देखो काम करते हैं तो टाइम तो लगता ही है, और ये काम सारा ऐसा ही है कि टाइम वाला ही है, ये नहीं है कि इसमें थोड़ा सा 10 मिनट का या 5 मिनट का, और टाइम लगा के ही करना पड़ता है। तो जितना भी मेरे से हुआ मैंने अपने तरीके से थोड़ा सा ठीक सा करने की कोशिश करी, सारे को झाड़ पूछ दिया और लगा दी झाड़ू, फिर उसके बाद लगाएंगे पोचा। तो आज का बस वीडियो इतना ही, आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।